भाई साहब कांड हो गया। श्रेहू को मैं दिखाने के लिए गया हुआ था लेकिन डॉक्टर थे ही नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी दोस्तों? आशा करता हूं आप लोग सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज का सीन ये है कि मुझे आसनसोल जाना था, वो भी 2 times। पहली बार मुझे जाना था अपने जीजा को लेके, कुछ पर्सनल काम था जीजा का। दूसरी बार मुझे शिल्पा को लेके डॉक्टर के पास जाना था। तो कल रात को मैंने अपने मम्मी को नहीं बोला था कि मैं शिल्पा को लेके डॉक्टर के पास जाऊंगा। मैं भी कोई श्योर नहीं था इसीलिए मैंने नहीं बोला, ठीक है। अभी सुबह सुबह उठ के मैंने मम्मी को बोला तो मम्मी थोड़ी गुस्सा करने लगी, बोली कि तुम पहले से ही अगर बता देते तो मैं सारा काम वाम जो है फटाफट कर लेती और निपटा के अच्छे से रख लेती। तो मैं बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं, दूसरे दिन जाएंगे। मैंने शिल्पा को भी ये बात बोला तो शिल्पा बोली कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, एक काम करते हैं आज ही चलते हैं सेकेंड हाफ में। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ बाहर मिष्टी को लेकर के, मैं और मिष्टी कल जा रहे हैं बाहर, मुझे एक्चुअली कल टाइम नहीं मिलेगा और मैं परसों आऊँगा तो परसों थका हुआ आऊँगा, तो शायद मैं भी जा सकूं ना जा सकूं। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट काम वाम कर लो, निपटा लो काम वाम जो भी है जैसा भी है, और उसके बाद फिर टाइम मिलता है तो सेकंड हाफ में चलते हैं। फिलहाल तो मैं अभी हूँ घर में, अभी मैं टहल रहा हूँ अपने मोहल्ले में। बहुत दिनों से मैंने एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं किया, जिम सिम तो मैं जा नहीं रहा हूँ, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा टहल लेते हैं जब तक नाश्ता बन रहा है। सो गाइज, नाश्ते में आप देख सकते हो मेरे घर में पोहा बना हुआ है, लेकिन पोहा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। ये मैं कल चनाचूर लेके आया था, थोड़ा सा बचा हुआ था, तो इसको मैं मूढ़ी के साथ में अच्छे से मिक्सचर करूंगा और फिर इसे खाते हैं। मिष्टी कल जाने वाली है मेरे साथ बाहर एक दिन के लिए, तो अभी से ही देखिए पैकिंग सैकिंग शुरू कर दी है। अभी से सुबह से बोल रही है कि मामा निकाल दीजिए मेरे को ट्रॉली, देखिए इतना बड़ा सा ट्रॉली लेके जाएगी, इतना बड़ा सा। लिटरली मैं तो बस एक सेट कपड़ा लेके जाऊंगा और एक सेट पहन के जाऊंगा, लेकिन इसका देखिए ये वाला लेके जाएगी फ्रॉक, इसका डिसाइड नहीं हुआ ये फ्रॉक पहनेगी या फिर ये लहंगा है इसका, ये लहंगा पहनेगी। अब दोनों लेके जा रही है कि कौन सा पहनेंगे वहां पे जाकर डिसाइड करेंगे जो अच्छा लगे। देखिए ये फ्रॉक मेरा फेवरेट है और ये लहंगा फेवरेट है, लहंगा भी बहुत सुंदर है, तो वहीं जाके डिसाइड करूंगी कौन सा पहनना है। हाँ तो लेके जाइएगा आप ही ट्रेन में। हाँ ठीक है, ठीक ना, उठा के लेके जाइएगा आप ही। ठीक है देखते हैं। गाइस ये देख रहे हो डंबल, ये बहुत दिन पहले मैंने खरीदा था कि अगर मैं जिम सिम ना जाऊं तो उस दिन मैं घर में ही वर्कआउट कर लूं। बेसिकली गाइस सुबह से तो बहुत ज्यादा सूट वूट नहीं कर पाया, होता है कभी कभी काम वाम रहता है तो हो जाता है कभी कभी। फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं अभी डॉक्टर के पास, रेहू मैं और शिल्पा हम लोग तीनों रेडी होके निकल चुके हैं घर से, अब जाते हैं डॉक्टर को। पहले फटाफट डॉक्टर को दिखा लेते हैं, और शिल्पा का भी तबीयत थोड़ा ज्यादा ही बिगड़ गया है, बुखार उखार भी हो गया है, तो चलते हैं दिखा लेते हैं। आसनसोल जा रहे हैं फिलहाल हम लोग, उसके बाद फिर बात करते हैं आपसे। जैसा कि आप देख सकते हैं आगे में ट्रैफिक लगा हुआ है, और ट्रैफिक में कौन फंसेगा यार, इसीलिए मैं बहुत पीछे ही अपना गाड़ी को पार्क कर चुका हूँ। फिलहाल जब ट्रैफिक खुलेगा तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो मैंने शिल्पा को दिखा दिया है डॉक्टर के पास, अभी मैं जा रहा हूँ श्रेहू को लेके SNCU। SNCU मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ कि श्रेहू यहाँ पे एडमिट था और पूरा का पूरा ट्रीटमेंट उसका यहीं पे चला हुआ था जब वो हुआ था, तो इसीलिए मैं फिलहाल अभी इसको लेके जा रहा हूँ SNCU। इसको भी दिखा देता हूँ, जब आया हूँ तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इसको भी है, ठंड वगैरह लगा हुआ है। भाई साहब कांड हो गया, श्रेहू को मैं दिखाने के लिए गया हुआ था लेकिन डॉक्टर थे ही नहीं। वो बोले कि एक काम करो तुम कल 11 बजे आ जाओ, तो 11 बजे हम लोग देख लेंगे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर कल तो टाइम नहीं हो पाएगा, देखते हैं अगर परसों या तरसों टाइम होगा तो फिर लेके आएंगे श्रेहू को। पलक नहीं झपका रहा है बंदा श्रेहू। तो भाई साहब डॉक्टर तो हम लोगों ने बहुत खेल लिया, अभी मैं आया हुआ हूँ रेलवे स्टेशन ट्रेन का इंक्वायरी करने के लिए कि कल कितने बजे ट्रेन है नहीं है, क्योंकि मुझे कल ट्रेन से ही जाना है। एक्चुअली 3 options है मेरे पास, मैं बाइक से भी जा सकता हूँ, बस से और ट्रेन से। तो मेरे को बाइक से जाना थोड़ा सा रिस्की लगता है, वो इसलिए कि बच्ची है साथ में, बस से मेरे को कम्फर्ट फील नहीं होता और ट्रेन से जो है सही से कम्फर्ट फील होता है। तो मैंने सोचा चलो यार पता होता लगा लिया जाए सुबह को है कि दोपहर को है, एक्चुअली मेरे को जाना है सुबह को ही, क्योंकि सुबह को निकलने से बढ़िया रहता है ना। चलो अच्छा ही है, एक आफत गया, एक दिन का छुट्टी ज्यादा नहीं, एक दिन के लिए आफत जाएगा इसके जिंदगी से, उसके बाद फिर दूसरे दिन आ जाऊंगा मैं। ट्रेन का तो हम लोगों ने पता लगा लिया, लेकिन ट्रेन है अल्टर टाइम में, सुबह के 5:10 में और शाम के 6:10 में। तो सुबह को तो मैं जाने से रहा, क्योंकि एडिटिंग और अपलोडिंग करते करते वैसे भी सुबह हो ही जाता है, मैं सोऊंगा कब और उठूंगा कब। और शाम को अगर मैं गया तो शाम को बहुत ज्यादा ही लेट हो जाएगा, शाम को पहुंचते पहुंचते मेरा
लगभग लगभग 9:30 बज जाएगा, इसीलिए ट्रेन से जाना मेरा लगभग लगभग कैंसिल है। अभी मैं जाऊंगा तो देखता हूँ, बस से ही कोशिश करूंगा जाने को, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बाइक से बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, बच्ची भी है साथ में। फिलहाल तो अभी हम लोग आए हुए हैं चाउमीन खाने के लिए, फटाफट चाउमीन खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हड़बड़ी में खा रही हो ना, चलो चलो चाउमीन पे फोकस करो, चाउमीन पे। गाइस शिल्पा कितनी चालाक है, जैकेट पहनी है पर जैकेट का चेन नहीं लगाई है। फाइनली गाइस हम लोग घर आ गए, ठंड का मौसम था इसीलिए बहुत ज्यादा ही ठंड लग रहा था, और आपको तो पता ही है कि बाइक में कितना ज्यादा ठंड लगता है वो भी ठंड के मौसम में। तो मैंने जैकेट वैकेट पहना हुआ था, फिर भी बहुत ज्यादा ही ठंड है, नाक से पानी वानी भी गिरने लगा, तो क्या ही बताना। चलते हैं आग वाग सेक लेते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। मिस्टिकल जाएगी तो अभी से मेहंदी लगा रही है, मेहंदी लगाने की क्या जरूरत था, बिना मेहंदी का भी तो काम चल जाता ना। मेरी मर्जी। हाँ वो आपकी मर्जी, बात तो सही है, लेकिन कोई जरूरी नहीं था ना। मेहंदी रखा रखा खराब हुआ था, यूज कर लिया। वाह, इससे पहले याद नहीं आया मेहंदी का। दिखाइए हाथ पलट के, दिखाइए कैसा लगाए हैं, और उधर दिखाइए, बस इतना सा भर के लगाइए तब ना सही लगेगा। लगा रहे हैं। मेरी मम्मी काट रही है प्याज बाहर में पकौड़ी बनाने के लिए, आंख से हम लोग का आंसू आ रहा है, बहुत जान लग रहा है। कहानी ना सुना है जिसमें प्याज के दो तीन दोस्त था वो मर गया, तो प्याज बहुत रोया था, तो फिर प्याज बोला कि मैं तो सबके लिए रो रहा हूँ लेकिन मेरे लिए कौन रोएंगे, तो इसीलिए हम लोग सभी कोई रो रहे हैं। ऊपर से भगवान के बोले कि तुम्हारे लिए तुम्हें जो भी काटेगा वो हमेशा रोएगा, इसीलिए गाइस हम लोग रो रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे मम्मी प्याज काट के रखी है और यहाँ पे मिर्च काट के रखी है, और हम लोग का आज प्रोग्राम है पकौड़ी बनाने का, है ना, पकौड़ी बनेगा ना। कल मैं एक सेट ही कपड़ा लेके जाऊंगा, ज्यादा नहीं, तो उसे निकाल लेते हैं अलमारी से और निकाल के अभी पैक कर देते हैं, फिर नहीं तो सुबह को प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने तो अपना सारा कपड़ा उपड़ा ले लिया है, एक जीन्स एक हुडीज ब्लैक और एक जैकेट लिया है, बस यही लेके जाऊंगा मैं और एक सेट पहन के जाऊंगा। फिलहाल इधर तो मिष्टी का ही सारा कपड़ा भरा पड़ा है, पता नहीं क्या क्या ले लिए। कपड़ा है, आप ही फिर लेके जाइएगा ट्रॉली को। ठीक है, ढोके लेके चल जाएंगे। मैं नहीं ढोके लेके जाऊंगा, पहले बता दे रहा, तू तो देखा ही जाएगा। और ये भी लेके जाइएगा आपने। नहीं, नहीं, नहीं। तो सारा रात आप डिसाइड कीजिए मिष्टी कि आप क्या लेके जाइएगा और क्या लेके नहीं जाइएगा, उसके बाद फिर एक लिस्ट बनाइए, कंफर्मेशन कीजिए, हाँ ये चीज लेके जाना है, उसके बाद आप लिस्ट बना के कंफर्मेशन करके इस ट्रॉली बैग के अंदर डाल दीजिए, तब जाके हम लोग कल यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ठीक है, कुछ वैसा करना नहीं है। शिल्पा यहाँ पे रोटी बना रही है और देखिए कैसे मुंह बनाई हुई है, मेरे से वैसे भी नाराज है, गुस्सा है, ये क्यों गुस्सा है बताओ, क्यों ना हो, एक नंबर का आदमी है, दिन भर मेरे झगड़ा करता, झगड़ा करके बस हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं सुनना है व्यूअर्स को, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं सुनना है। फिलहाल तुम रोटी बना रही है, कैसे बना रही है वो सिखा सकती है क्या व्यूअर्स को, तो बता दो आटा कैसे गूंथा, आटा कैसे खा सकते हैं, छोड़ो तो इससे बात करने का कोई फायदा ही नहीं, छोड़ो यारो, चलो चलते एडिटिंग करते हैं। गुस्सा आ रहा है मुझे इसके ऊपर, एक तो मैं इसे कोई नहीं करते हैं, ये एक नंबर का दुष्ट मानुष है। दोस्तों इस कान से सुनिए, इस कान से निकालिए, या फिर इस कान से सुनिए, इस कान से निकालिए। फिलहाल हम लोग चलते एडिटिंग करने, बनाने दीजिए इसको रोटी। सो गाइस चलते हैं, 11 बज गया है, खाना पीना खा लेते हैं, शिल्पा को बोलते हैं पकौड़ी फ्राई करने के लिए, गरम गरम पकौड़ी खाते हैं और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आज का हमारा ये ब्लॉग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।